मॉर्निंग। तो आज है थर्सडे और इस ब्लॉग को मैंने थर्सडे मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। अभी टाइम हो रहा है 8 और मैंने यहाँ पे कल का ही जो मैंने कुर्ती पहना था वही पहन लिया है। तो अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ देव को स्कूल छोड़ने। तो मैंने इस अभी देव को इधर तैयार भी कर लिया है, बिस्तर वगैरह अभी मैंने कुछ भी नहीं उठाया है, नहाया भी नहीं है, बस सुबह का झाड़ू पोछा कर लिया है और ये सब काम अभी पेंडिंग है, आगे करूँगी। तो इस ब्लॉग को मैंने अभी से स्टार्ट किया है और आज अनंत भी है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं जा रही थी देखो स्कूल छोड़ने, तो मैंने सोचा इस टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद आके बाकी का काम करती हूँ। तो अब मैंने देव को छोड़ दिया है स्कूल और चलते चलते मैं वापस जा रही हूँ। बहुत दूर है पर मैं सोचे जानबूझ के चल चल के वापस जा रही हूँ। आने टाइम भी हमें ना टोटो मिला नहीं था टाइम पर, तो थोड़ा सा लेट हुई, 5 मिनट लेट हुई, फिर चंपा सही से मिल गया था। तो अब जा रही हूँ मैं चल चल के घर वापस, देखती हूँ अगर जा पाऊँ तो, और नहीं जा पाई तो बाद में चंपा से रोक ले लूँगी। तो 15-20 मिनट करीब चल के जाने में, 25 मिनट करीब लग जाएगा चल के जाने में, तो देखती हूँ क्या होता है। देव को स्कूल छोड़ के आने में मुझे आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया था और बस आके मैंने जल्दी जल्दी से जो भी मुझे बिस्तर वगैरह उठाने थे उठा के, थोड़ा सा एक दो जो काम पेंडिंग था वो करके मैंने जल्दी से शावर ले लिया था। और शावर लेके ये जो मेरा पहले वाला कुर्ती है मैंने काफ़ी बार पहना है ऐसे, तो वही मैंने लगा लिया है। तो मैं ना नॉर्मली घर पे ज़्यादातर कुर्ती पहनती नहीं हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर नाइटी में ही रहती हूँ। अगर मुझे बाहर जाना होता है तो पहले से पता होता है कि आज मुझे बाहर जाना है, तो ही मैं सुबह में नहाने के बाद कुर्ती वगैरह लगाती हूँ। तो जैसे कि मुझे आज देव को लेने जाना है तो इसी वजह से मैंने डायरेक्टली कुर्ती वगैरह पहन के ही काम कर रही हूँ, क्योंकि बाद में अगर रेडी होकर जाने का चक्कर में रहूँगी तो एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं यहाँ पे अभी सेवई बना रही थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने सेवई ला के दिया था कि बना लो क्योंकि आज अनंत है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं सेवई और पराठा बना रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। मैं आज पराठा नहीं बनाने वाली थी, मैं आज दाल चावल सब्जी बनाने वाली थी क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने बनाया नहीं था, पर आज अनंत है। मैं अनंत नहीं करती हूँ, मैंने एक्चुअली उठाया ही नहीं है अभी तक, तो मैं अगले साल से उठाऊँगी, इस साल नहीं उठाऊँगी, तो अगले साल से मैं अनंत करने वाली हूँ। मैंने इस साल सोचा था करूँगी, फिर मेरे कुछ अपने रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो इस साल मैं नहीं कर पाई, तो अगले साल से मैं अनंत उठाऊंगी। तो नीचे मैं ना पूरी सब्जी खीर वगैरह बना था, तो मेरी मम्मी जी मुझे दूध वगैरह सेवई वगैरह ये सब ला के दे दी कि बोली कि तुम भी बना लो, और नीचे में ये सब बना हुआ है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ये सब बना रही हूँ, वरना मैं आज दाल चावल सब्जी ही बनाने वाली थी। तो अभी फटाफट से मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ देव, और पराठा बनाने के बाद फिर मैं देव को लाने भी जाना है मुझे, तो देव को लाने से पहले मैं ये सब काम निपटा ले रही हूँ। खाना बनाने के बाद मैं देव को लाने चली गई थी और फिर देव को लाके मैंने चेंज वगैरह करा लिया है उसको, और खाना तो मैं पहले ही बना के गई थी। तो सब्ज़ी में मैंने आलू और बैंगन का सब्ज़ी बनाया है, वो मैंने दिखाया नहीं था, थोड़ा सा देर हो रहा था मुझे, तो मैंने जल्दी जल्दी करके उसे बना के फिर देव को लाने चली गई थी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी सेवई और पराठा मैंने अभी खाने में बनाया है, तो यही मेरा अभी का खाना हो जाएगा। मैं यहाँ पर देव को भी बोल रही थी कि खा लो खा लो खा लो, तो उसने एक बार ही सिर्फ खाया है और उसके बाद बोल रहा है मैं अभी नहीं खाऊंगा, तो उसको मैं थोड़ा लेट खिलाऊंगी। मैं अभी पहले खा ले रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, आज चाय भी मैंने नहीं पिया था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर देव को अभी नहीं खिला रही हूँ, पहले मैं खा रही हूँ। और देव थोड़ा अभी रुक के खाएगा क्योंकि अभी उसने अपना टिफ़िन फिनिश आने के बाद किया है स्कूल में, उसने टिफ़िन नहीं खाया था इसी वजह से उसे अभी भूख नहीं है। और यहाँ अभी हो रहा है शाम का वक्त, मैं देव को करने जा रही हूँ रेडी क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ अभी एक बर्थडे पार्टी में जाने वाला है, इसीलिए।
और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा बेटा जो है वो कैसे कैसे कर रहा है मेरे साथ में। तो मेरा बेटा पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, मतलब जितना वो बड़ा हो रहा है उतना ज़्यादा ही वो बदमाश हो रहा है। मतलब बदमाश क्या बोलूँ, मतलब बदमाश नहीं, वो मतलब मेरे साथ मजाक करता है, बताया कि हम तुम दोस्त हैं ना इसीलिए बोले हम तुम्हारे साथ मजाक करते हैं, तो हम किसके साथ मजाक करेंगे बोलो, इस टाइप से मेरे साथ बात वगैरह करते रहता है और इस टाइप से वो मतलब नाटक उसका चलते रहता है, दिन भर का है ये, तो ऐसा ही वो करता है। पता नहीं क्यों उसको तैयार वगैरह करने टाइम व कुछ भी करने टाइम सवाल पे सवाल जवाब पे जवाब, ये क्या है, कौन सी कंपनी का है, मुझे क्यों लगाती हूँ, मुझे ये लगाने से हम गोरे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो तुम गोरी कैसे हो गई, पापा काले क्यों हैं, ये सब सवाल उसको मतलब लगा रहता है। तो इसी बात से मतलब मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा, मतलब सवाल 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 सिर्फ उसे सवाल ही करना होता है और बंदर बंदर जैसा बस दिन दिन भर बस उछलने रहना होता है, इसी वजह से इतना पतलू हो गया है। अभी हो रहा है शाम का वक्त और देव बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हुआ है, तो अपने बहनों के साथ बर्थडे पार्टी में जा रहा है, तो मैंने उसको भी रेडी कर लिया है, उसकी दीदी भी रेडी हो गई है, तो एक से बड़ी है, दोनों में एक जैसे, दोनों देखने में एक जैसे उम्र के रखते हैं लेकिन एक से बड़ी है, देव मेरा बेटा लंबू हो गया है ज़्यादा, तो इसीलिए एक बराबर लगता है दोनों, तो अभी और दोनों दीदी रेडी हो रही है, तो बच्चे पहले रेडी हो गए, बड़ों को तो टाइम लगता है ना रेडी होने में, तो वो दोनों रेडी होंगे तो इन सबको लेके जाएंगे, यहीं पर पास में हम लोग का घर के पास में बच्चे हैं बेटे, हम लंबू आ रही है बड़ी है सही बोले, ठीक है, तो अब ये लोग रेडी हो चुके हैं, अब दीदी दोनों रेडी हो जाएगी तो इसके बाद इन दोनों को लेके जाएगी। तो तैयार होने के बाद, देव तैयार होने के बाद भाभी के रूम में आया था, ये मुझसे बड़ी वाली भाभी है, तो उनकी जो छोटी बाबू है ना वो अभी तैयार हो रही है, तो उनकी दो लड़की है, तो छोटी वाली जो बाबू है, देखिए लड़कियाँ कितनी भी छोटी हो उन्हें लड़कियों वाले काम सिखाना नहीं पड़ता है, अभी उसने जैसे लिपस्टिक लगा लिया उसे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि होठ में होठ मिलाओ, इतना अच्छे तरीके से होठ पे होठ मिला लेगी और उसके बाद जाके आईने में खुद को देखिए, देखिए कैसे होठ पे होठ मिला रही है, तो होठ पे होठ मिला के आईने में खुद को देख भी लिया, किसी को पता भी नहीं चला, तो लड़कियों को बोलते हैं ना लड़कियों वाले काम सिखाना नहीं पड़ता है, बचपन से उनको पता होता है कि कैसे क्या होता है। तो बाबू तो अब तैयार हो चुके हैं और उसके बाद जाके अब तैयार मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उसकी हेयर स्टाइल की बारी है, अभी हेयर में स्टाइल कराना उसको बाकी है, तो खुद ही बताती है मुझे रेड वाला क्लिप लगाना है, मुझे येलो वाला क्लिप लगाना है, कौन सा क्लिप लगाना है, टिकटॉक क्लिप नहीं होता है जो टिकटॉक करके आवाज़ करके बैठ जाता है, तो वो वाला क्लिप अभी हेयर स्टाइल बनाने के बाद उसकी मम्मी उसे लगा देगी तो वो पूरा खुश हो जाएगी, और वो वाला हेयर स्टाइल बनाने के बाद ना बहुत क्यूट लग रही थी बाबू देखने में, तो अभी देखिएगा आप कितना कितना अच्छा से, मेरा बेटा कभी इस टाइप से इतना शांत कभी नहीं है, मतलब लड़कियाँ अब शुरू से ही शांत होती है सही बोलते हैं, और मेरा बेटा तो मतलब दिन भर उछल कूद करते रहता है, कभी इस टाइप से शांत मतलब शांत से बैठ के तैयार नहीं हुआ है, बस नाश्ते नाश्ते उसको तैयार कराना पड़ता है, जिस टाइप से बाबू तैयार हो रहे हैं ना बापरे से ही मैं बोलता है कि लड़कियाँ सच में बचपन से ही ना उनको भगवान जी सब बुद्धि दे के भेजते हैं। जा फिर दीदी लोग के साथ आ जाना, बाय। तो अभी टाइम हो रहा है 10:15 और 10 बजे करीब मेरा बेटा आया था बर्थडे पार्टी से, तो आज उसने पढ़ाई नहीं किया, मंडे को उसका एग्ज़ाम है पर आज उसने कोई पढ़ाई वगैरह किया ही नहीं, और ट्यूशन का होमवर्क वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो कल स्कूल से लाने के बाद इसे होमवर्क वगैरह कंप्लीट कराना पड़ेगा, इतनी रात को अब पढ़ने बैठना नहीं चाह रहा है, और मैंने अभी खाने में ना चावल बनाया है, मतलब रोटी बनाने में ना बहुत आलस आता है, मतलब अपने लिए तो आप जानते ही खाना बनाने में बहुत आलस आता है, तो अभी मैंने अपने लिए बनाया है चावल, और दिन का जो बैंगन का फ्राई था वो है, और थोड़ा सा अचार ले लूँगी वो हो जाएगा मेरा अभी का डिनर, और ना देव के लिए मैंने दूध रोटी फूलने के लिए दिया हुआ है, रात को उसे दूध रोटी खिला दूंगी और उसके बाद उसे सुला दूंगी, और आज मैं ना एक कुर्ती वगैरह पहन के सोने वाली हूँ कल की, क्योंकि कल मुझे कल उसका स्कूल गेप नहीं दे सकती, कल मतलब एग्ज़ाम से पहले लास्ट स्कूल है, फ्राइडे सैटरडे संडे गेप दे के मंडे को एग्ज़ाम होगा, नहीं बेटा तो मंडे को एग्ज़ाम होगा, तो इसी वजह से कल का स्कूल गेप नहीं दे सकती, तो यही पहन के मैं नहाने से पहले उसे पहले छोड़ के आ जाऊंगी और उसके बाद नहाने दी, क्योंकि आज ना मतलब लेट हो गई थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी झाड़ू पोछा के चक्कर में, मैं थोड़ा सा लेट, तो आज पहले मैं उसे स्कूल छोड़ आऊँगी
और उसके बाद जाके बाकी का काम निपटाऊंगी। तो इसलिए ये पहन के सो जाऊंगी, क्योंकि फिर बैन रेडी होने में ना फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये पहन के सो जाऊंगी और बस ऐसे ही सुबह उठ के पहले इसे छोड़ के आ जाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, और खाना तो मुझे बस चावल बनाना था, चावल बना लिया मैंने। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी और बेटा को चेंज वगैरह कराऊंगी, और उसके बाद जाके बस थोड़ी देर में हम लोग सो जाएंगे। अभी हस्बैंड नहीं है ना, मैं जल्दी ही खा के जल्दी ही सो जाती हूँ। हस्बैंड होने से ना थोड़ा सा मेरा लेट होता है एक्चुअली ना, वो लेट से घर आते हैं ना 11:30 बजे करीब, 11:30-12 ऐसा करीब घर आते हैं। उसके बाद आके बाथरूम वगैरह जाएंगे, फ्रेश होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाके खाना खाते हैं। फिर मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर जाके वो तो खा के सो जाते हैं। उसके बाद मुझे बर्तन होता है, किचन होता है, सब कुछ करना होता है। तो इसे करते करते मुझे 1:30 हो जाता है। फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते करते 1:30-2 ऐसे, मैंने जिस दिन मैंने एडिट किया वीडियो उस दिन 1:30-2:30 ऐसे हो जाते हैं सोने में। तो अभी जैसे हस्बैंड नहीं है तो वीडियो भी एडिट कर लूँगी, तो हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे का, तो ये सब करना होता है। तो अभी हस्बैंड नहीं है तो उतना हैडिक तो नहीं है, और अभी तक मैंने बस हस्बैंड के जाने के बाद बस देख को लाने छोड़ने में ही बस दिन ख़त्म कर रही हूँ। अभी तक मैंने कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। तो सैटरडे संडे छुट्टी होगा स्कूल का, उसके बाद मैं थोड़ा सा घर जो है थोड़ा ठीक ठाक कर लूँगी, फ्रिज वगैरह थोड़ा सा क्लीन करूँगी। तो अभी सैटरडे संडे को सब करूँगी और बस बस खाना पकाना, थोड़ा सा साफ़ सफाई, जो नॉर्मली रेगुलरली जो रूटीन होता है वैसे ही चल रहा है। तो अभी मैं और ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको अच्छी लगी होगी, सिंपल सा ब्लॉग था, उतना खास नहीं था मैं जानती हूँ, पर जो भी है यही है। तो आप लोग बोलते हो कि डेली जो जैसा भी होता है छोटा सा ही एक ब्लॉग बना दिया करिए। तो ये तक का था मेरा आज का वीडियो, होप अच्छी लगी होगी। एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दे बाय बोल दो, गुड नाइट बोल दो, बाय गुड नाइट बोल दो। देखिए गेम करने सा मतलब मोबाइल मिलने से इसका ये हालत है।